तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो है एक मेरे पास कमेंट आया था उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। और मैं इस प्रॉब्लम को ना आपको सॉल्व करके बताऊंगा आज के वीडियो में। यहाँ पर जो है XOS, जिस पे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जो कि इन्फिनिक्स का लॉन्चर है, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वो जो वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही उस वीडियो पर मेरे पास एक कमेंट आया था जिसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो जो कमेंट है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कमेंट है, और मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि हाँ, ये चीज़ से जो है आप गेट रिड ऑफ हो सकते हो। और यहाँ पर जो है, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो ये वॉलपेपर आप देख पा रहे हो ना, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सा लॉन्चर यूज़ कर रहे हो, तो ये यहाँ पर जो है मैंने XOS ही है मेरे पास जो है। और यहाँ पर जो ये वॉलपेपर आप देख रहे हो, ये आपको मिल जाएगा फ्रेश वॉल से। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे वॉलपेपर्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। कमेंट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो कमेंट है ना, इसमें लिखा गया है कि सर, पोको लॉन्चर और एनी अदर लॉन्चर इंस्टॉल करके एड्स अवॉइड कर सकते हैं क्या? इज़ देयर एनी वे टू कम्प्लीटली अवॉइड दी एड्स, प्लीज़ रिप्लाई। तो ठीक है, इस बारे में मैंने सोचा और इस बारे को ना मैंने ट्राई भी करके देखा। तो हुआ क्या कि जो मेन UI में जितने भी एड्स होते हैं ना, वो तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन क्या थर्ड पार्टी कोई लॉन्चर आप अगर XOS में यूज़ करते हो, मतलब कि इन्फिनिक्स के कोई भी स्मार्टफोन पे यूज़ करते हो, तो उन एड्स को आप कैसे हटा सकते हो? तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एड्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रहे, ये कोई मतलब बेकार बेकार एड्स आपको देखने को मिलती हैं। XOS में यहाँ पर भी एड्स आपको देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर इंस्टेंट ऐप्स के नाम से आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो XOS और iOS के लिए भी ये सेम अप्लाई होता है। अगर आपके पास iOS का फ़ोन है, मतलब टेक्नो का कोई स्मार्टफोन है, तो उसमें भी सेम ये चीज़ अप्लाई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एड्स को रिमूव कैसे करना है। तो ये जैसे कि XOS का अपना लॉन्चर आता है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में, तो आपको सिंपली क्या करना है कि कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो प्ले स्टोर में आपको काफ़ी सारे दुनिया भर के लॉन्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, उनमें से जाके आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं अगर प्ले स्टोर पर जाता हूँ, तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको काफ़ी सारे लॉन्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोको लॉन्चर हो गया और काफ़ी सारे ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाले लॉन्चर्स देखने को मिलते हैं। वैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्चर्स पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन नाम से, तो उन पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर ऐड करने से एड्स रिमूव हो जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक थर्ड पार्टी लॉन्चर इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे कि एक्शन लॉन्चर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, देखते हैं इससे क्या एड्स बंद होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इस लॉन्चर का नाम है एक्शन लॉन्चर, अगर इसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर मेरे को मिल गया तो, वरना आप इसको डायरेक्टली सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसे काफ़ी सारे लॉन्चर्स आपको थर्ड पार्टी लॉन्चर्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर पर, तो आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेटअप कर लेता हूँ इसको फटाफट से। तो ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एक लेआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप ये भी चीज़ चेकआउट कर सकते हो कि ये पूरा स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फील दे रहा है, आपको कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, कोई भी एड नहीं मिलेगी। तो आप कोई भी थर्ड पार्टी अगर लॉन्चर यूज़ करते हैं अपने XOS की जगह, तो आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको शाउट आउट है, और उनका कमेंट मैंने पिन कर दिया है यहाँ पे, वीडियो में आपने देख लिया स्टार्टिंग में, तो उनको शाउट आउट है। और साथ ही ये टॉपिक बताने के लिए आप जो है आप मेरे को ऐसे कमेंट्स कर सकते हो वीडियो के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। और नेगेटिव कमेंट्स आए या बैड कमेंट्स आए या अच्छे कमेंट्स आए, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का ही रिप्लाई देता हूँ, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और किसी को अगर कुछ इशू होता है तो मैं उन लोगों को पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी बात कर लेता हूँ उन लोगों से। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली DM कर सकते हो, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर से देता हूँ।
तो कोई भी कमेंट हो आप लोगों का, किसी भी इशू का, आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। अगर कोई ऐसा इशू होगा कि मैं साथ के साथ आपको जवाब दे सकता हूँ तो मैं कमेंट में ही लिख दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है कमेंट में लिखने पर समझ में नहीं आता, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि सर समझ में तो आया नहीं या हुआ नहीं। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि ऐसे कमेंट्स जो आते हैं मेरे पास, मैं उन्हीं के रिलेटेड वीडियोस बना देता हूँ कि आप लोगों को भी ईजी रहे। तो मेरे ऑडियंस के लिए यही बढ़िया रहेगा कि आप लोग जो वीडियोस आप लोग सजेस्ट करोगे मुझे, मैं वही बनाऊँगा, मैं अलग से कोई भी टॉपिक नहीं उठाता। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हो तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं बता सकती अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।